ओम प्रकाश राजभर और द्रौपदी मुर्मू को या यशवंत सिन्हा को देंगे? आखिर किसे देंगे? अखिलेश यादव से मिलने के बाद तय करेंगे ओम प्रकाश राजभर किसे वोट देना है। ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा था कि वह अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, इसके बाद ही वह राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के वोट का फैसला करेंगे। सुभाषपा ने मंगलवार को कहा कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद 16 जुलाई को फैसला करेंगे। सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जल्द ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलेंगे। मंगलवार का संवाददाता सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव एक दो दिन में उनसे मिलेंगे, लेकिन अचानक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद सपा प्रमुख की पारिवारिक व्यस्तता के वजह से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए संवाददाता सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के साथ बैठक करने के बाद 16 जुलाई को लखनऊ में प्रेस वार्ता होगी। सुभाषपा प्रमुख के पुत्र और पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा सपा के साथ है और भविष्य में भी साथ रहेगी। मंगलवार को रसड़ा में हुई पार्टी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर अरुण राजभर ने कहा कि पार्टी संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई है और सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि 16 जुलाई तक अखिलेश यादव के साथ बैठक करने के बाद जिसके बाद हम यह स्पष्ट करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव से पूछेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को कहा था कि वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करके पूछेंगे विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। मतदान में सुभाषपा की भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि पार्टी प्रमुख ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ने सोमवार को कहा था कि वह अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सपा नेता उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी नेता से फोन पर बात की और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात व बातचीत की अपनी मंशा से अवगत कराया। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के गत गुरुवार पत्रकार वार्ता हुई थी, जिसमें सपा ने इस पत्रकार वार्ता में गठबंधन के एक अन्य सहयोगी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी को बुलाया था, लेकिन सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इसमें नजर नहीं आए थे। राजभर ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलकर यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया था कि वह 12 जुलाई तक अखिलेश यादव के रुख का इंतजार करेंगे, फिर अपने निर्णय की घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को यह राजग के सांसद और विधायकों से अपने लिए समर्थन मांगा था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुर्मू के सम्मान में रात्रि भोजन का आयोजन किया था, जिसमें भाजपा के सहयोगी दल नेताओं और अलावा ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे। हालांकि बाद में राजभर ने दावा किया था वह मुर्मू के बुलावे पर गए थे। अब देखना दिलचस्प यह है कि ओम प्रकाश राजभर किसे वोट देते हैं, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा को। अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।